हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिसिंग पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 13 ईयर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको दांतों में ठंडा गर्म लगता है तो उसका क्या रीज़न होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। तो वीडियो बहुत शॉर्ट बनने वाली है, पर वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगी। अगर आपके दांत में कुछ खाते हुए आपको ठंडा गर्म लगता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है एंड इसका रीज़न क्या होता है। तो वीडियो में अगर नए हैं तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कई बार आपने महसूस किया होगा कि दांतों में झंझनाहट होता है। आप कभी टी कॉफ़ी कुछ पी रहे हो या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या फिर कभी कुछ आइसक्रीम वगैरह आप खा रहे हो तो उस टाइम को महसूस होता है एक झंझनाहट सा। तो उसका रीज़न क्या होता है? झंझनाहट तभी होता है जब आपके दांत की जो आउटर लेयर होती है, यानी कि बाहर की जो परत होती है, वो निकल जाती है। जो परत होती है वो क्यों निकलती है? उसके निकलने के पीछे का बहुत सारा रीज़न होता है। उस सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि आपकी ब्रशिंग हैबिट। अगर आप होरिजेंटली ब्रश करते हो तो और ज़ोर से ब्रश करते हो, उसकी वजह से आपकी बाहर के दांतों की जो लेयर होती है वो निकल जाती है और इनर लेयर एक्सपोज हो जाती है। तो जैसे ही इनर लेयर एक्सपोज होती है तो वो सेंसिटिविटी कॉज करती है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो आपको किसी नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करके एंड उस पर देखना पड़ेगा कि अगर आपके जो रीजंस है, क्योंकि बाहर की जो लेयर चली गई है वो थोड़ा सा ही गई है, ज़्यादा नहीं गई है, तो हम आपको डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट होते हैं वो दे देंगे और उसको अप्लाई करना पड़ेगा आपको, उससे आपकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा इरोड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एब्रिजन्स आ चुके हैं, तो वो उस जगह में हमें आपको फिलिंग भी करानी पड़ सकती है, नहीं तो ये ख़त्म नहीं होने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि अगर आपके दांतों में कैविटी है तो भी ये झंझनाहट होता है, तो उसमें देखना पड़ता है कि कैविटी है तो उसका मोस्टली फिलिंग ही चाहिए, फिलिंग ही करना पड़ता है एंड फिलिंग के बाद आपका झंझनाहट ख़त्म हो जाता है। थर्ड जो ऑप्शन होता है कि अगर आपका दांत कभी टूटा हो और वहाँ पे क्रैक आ गया हो तो भी झंझनाहट पेशेंट को महसूस होती है। तो उस झंझनाहट में उसको ठीक करने के लिए हमें आपके दांत का एक्सरे चाहिए होता है एंड प्रॉपर देखना पड़ता है कि ये जो क्रैक है कितना डीप गया है। अगर वो प्रिजर्व करने यानी कि सेव करने लायक हो सकता है तो हम या तो उसमें फिलिंग कर देंगे या फिर रूट कैनाल करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होती है कि क्रैक बिल्कुल दांतों के बीचों बीच गया होता है, तो उस टाइम पे टूथ को सेव करना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम पे दांत को निकालना ही पड़ता है अगर दांत में ये बिल्कुल वर्टिकल फ्रैक्चर अगर दांत का हुआ हो, यानी कि दांत टूट गया हो। ये देखना पड़ता है कि आपके दांतों में किस वजह से झंझनाहट हो रही, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान होता है। आज की वीडियो में यही तक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके दांतों में झंझनाहट है तो उसका रीज़न क्या होगा एंड उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.